सबसे मेन लुक है अपने एरोडायनामिक्स के लिए अच्छा रखा है। अपन को गियर देखने के लिए मिल जाते हैं, आरपीएम देखने के लिए मिल जाती है और अपना। तो राम राम सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू द चैनल, आपका स्वागत है दूसरी एक और ऐसी वीडियो में। आप फिर से देख रहे होंगे फिल्म में होंडा की कोई बाइक है वाली, आपका होंडा की कौन सी बाइक है ये, बिल्कुल होंडा की तरफ से लेटेस्ट बाइक आई हुई है, आपने गैस कर ली होगी। तो हाँ जी गाइस, सही गैस किया आपने, होंडा की नन अदर देन शाइन SP160 है। ये देखो 160 और SP, अपनी SP160 है। आपको शाइन SP160 ना तो सिर्फ SP160 बोल सकते हैं उसको। ये बिल्कुल अभी होंडा का लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है जो कि अभी मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि अपना 160 सीसी के इंजन के साथ और 5 गियर्स के साथ आता है, जो कि 125 आती थी इनकी, जिन्होंने पहली बार लॉन्च की थी 125 सीसी के इंजन और 5 गियर्स, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी, काफ़ी अच्छे से लोग इसको चलाने के उससे लेते थे। तो वीडियो में बात करते हैं इस पूरी बाइक की स्पेसिफिकेशन की। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे, इसकी बाइक की बात करते हैं, अपनी होंडा की SP160 जो कि दो वेरिएंट्स में आती है, सिंगल डिस्क और डबल डिस्क। ये वाला अपने डबल डिस्क वाला वेरिएंट है, देखोगे अपनी किधर डिस्क है, अपना पीछे भी रियर में भी डिस्क ब्रेक दे रखे हैं इसमें। तो इसकी ऑन रोड प्राइसिंग की बात करते हैं, अपन को करौली राजस्थान DTO में 1:42 के मतलब 1,42,000 के अप्रोक्स पड़ती है, और तो इसकी जो कि काफ़ी ठीक ठीक है इस वाली सेगमेंट में बाइक में प्राइस रेंज के हिसाब से। और इसके इंजन सेक्शन की बात करते हैं तो इसका 162 सीसी का इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है अपना 14.2 के अप्रोक्स BHP और 15 Nm के टॉर्क अप्रोक्स इसका आता है, जो कि बाइक के हिसाब से काफ़ी सही है। और इसका वेट आता है अपना 139 किलो, और जो इसकी पूरी लेंथ है वो आती है अपनी 700 या 750 के mm लंबी आती है पूरी बाइक। जो आप इसका पूरा लुक देख लो, इस कलर में तो काफ़ी इनहेंस होकर आ रहा है, इसका पूरा लुक देखो आप कितनी प्यारी लग रही है ना। तो इसकी हेडलाइट से बात करते हैं, इधर आप होंडा का लोगो देखोगे इसकी विंडशील्ड पे, और अपने इसके LED लाइट को सेटअप मिलता है ऊपर और नीचे की तरफ। इसके डुअल फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं, इसके अपन को ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, रेड डिस्क मिलते हैं। जिसकी टायर प्रोफाइल की बात करते तो अपने को 80-170 मिलते हैं, मतलब 17 इंच के इसको अपने टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे सो अपने को नॉर्मल से बेसिक से इंडिकेटर मिलते हैं, क्योंकि इसका सबसे मेन लुक है अपने एरोडायनामिक्स के लिए अच्छा रखा है इन्होंने। इधर से अपन को देखो ये थोड़ी एयर पास होने के लिए जगह भी बनाई है, आपको दिख रहा हूँ। हाँ देखो एयर पास होने के लिए एरोडायनामिक्स के लिए, जो कि देखने के लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे क्लच है जो काफ़ी स्मूथ आती है इधर से, इसके नॉर्मल जो होंडा स्टाइल में अपने शीशे आते हैं शाइन वगैरह सारी बाइक्स में वो दे रखे हैं। अपन को लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न और अपने स्टार्ट वाले इग्निशन का। और देखो सबसे मेन चीज़ में अपन को हेडजार लाइट का बटन, अब उसको कंपनी की फिटेड से दे रखे, इसको चला के बताता हूँ। ये देखो एक मिनट, ये अभी इसका इधर का आगे वाला ख़राब हो रखा है कनेक्शन वगैरह, तो पीछे से दिखाता हूँ। ये पीछे के अपने दोनों इंडिकेटर हेडजार लाइट उसमें चालू हुए हैं, कंपनी के पीछे तो कनेक्शन वगैरह हट गए होंगे। इसका जो मेन फोकस है वो दिखाता हूँ आपको, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले जिधर अपन को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो अपन इसकी स्क्रीन की बात करते हैं, अपनी ऐसे कोई डिजिटल स्क्रीन मिलती है, इधर अपन को गियर का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो हमें पहला गियर लगाया, ये चेंज हुआ, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, तो अभी हट गया क्योंकि अभी चालू नहीं है, तीसरे तक शो कर रहा है और ये न्यूट्रल में शो कर दिया। इधर अपन को RPM मीटर दे रखा है, इधर फ्यूल मीटर दे रखा है, स्पीड मीटर, टाइम, और इधर अपन की डिस्टेंस, और इधर एवरेज दिखा देगा अपन अगर इधर से नहीं, इधर से नीचे वाले से कंट्रोल करते हैं तो इधर का पूरा एवरेज दिखा देगा। इधर की अपन ये पूरी ट्रिप दिखा रहे कितने की है, इसको अपन होल्ड करके रखेंगे तो पूरी ट्रिप अपनी रीसेट हो जाएगी इधर से। और इधर टाइमिंग दिखाता है, इतना इसमें कुछ अपन को फीचर देखने के लिए मिलते हैं। इधर से अपने डिस्क ब्रेक का फ्लूइड वगैरह अपन डाल सकते हैं, इधर इंजन स्टॉप का, हेडजार्ड लाइट का दिखाई दिया था, अपना सेल्फ का ऑप्शन मिलता है इसमें। और इसकी और जो इसकी फ्यूल के टैंक कैपेसिटी है वो अपनी 12 लीटर की आती है, जो कि बाइक के हिसाब से 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी काफ़ी कम सी लगती है, क्योंकि इसका देखने में तो काफ़ी बड़ा लगता है पर 12 लीटर की आती है। इसका पीछे से आपको एक बार लुक दिखाता हूँ, तो पीछे से कुछ ऐसे देखने को लगते हैं, साइड से पहले देखो इसकी, इधर अपन को इसका एग्जॉस्ट मिलता है जो भी आपको ऑन करके सुनाता हूँ मैं। इधर अपने इसका ऐसा कुछ अपना 160 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है। इधर से अपन इसको करते हैं ऑन, देखो साउंड सुनना है इसका, काफ़ी ज़्यादा हवा है।
और जैसे देखो आइडियल प्लस की आरपीएम इतना रहता है, मैं थोड़ा सा इसको रैप करूंगा तो आवाज सुन काफी प्यारी आवाज लगती है, जो कि होंडा की बाइक में होती है विसल वाली साउंड थोड़ी। और इसकी एवरेज वगैरह की बात करें तो कंपनी इसकी क्लेम करती है 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज पर अपने ड्राइविंग के अकॉर्डिंग आप चलाओगे कैसे चलते तो 45 इतना 40 तक तो आराम से दे ही देगी, क्योंकि 160 सीसी की बाइक है। इसे कंपटीशन में अपनी बहुत बाइकें आती हैं, जैसे कि R15 आ गई, हॉर्नेट इसी की बहन वो आ गई, इस वाले C6 सेगमेंट में बता रहा हूँ मैं आपको। और काफ़ी सारी बाइक्स हैं, KTM की 125 Duke आ गई, RC125 आ गई, तो इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं। तो उनमें से एक अपनी नॉर्मल आप रेंज में बाइक देख रहे हो 160 सीसी के सेगमेंट में, काफ़ी आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी चाहिए, तो ये SP160 काफ़ी बेस्ट बाइक निकल के आती है उन सब में से जो कि बजट में रहे। तो ये थी कुछ छोटी सी वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल सी शाइन SP160 की। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस पर बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।